कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत, ब्रिटेन को छोड़ा पीछे। भारत में से केवल अमेरिका, ब्राजील और रूस आगे। कोरोना के मामले सामने आने में वुहान से आगे निकला मुंबई। एक दिन में 1,540 नए पॉजिटिव केस सामने आए, कुल आंकड़े 53,985 हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में बढ़े 3,607 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 97,648 हुई। पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में 152 मौतें हुई, अकेले मुंबई में 97 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में अब तक 3,590 लोग कोरोना से पीड़ित। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूटे, 24 घंटे में 1,877 कुल मामले, कुल मरीजों की संख्या पहुंची 34,687। दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी 1,000 के पार पहुंचा, 101 और लोगों ने दम तोड़ा, कुल आंकड़ा 1,085 हुआ। दिल्ली में कोरोना से मौत पर छिड़ी सियासत, दिल्ली के तीनों एनसीडी के पदाधिकारियों का दावा, राजधानी में हुई अब तक 2,098 मौत। देश में कोरोना से एक दिन में 9,996 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या हुई 286,579। देश में पहली बार एक दिन में 357 लोगों की गई जान, अब तक 8,102 लोगों की मौत। देश में 141,029 मरीज रिकवर हुए, 137,000 से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में कोरोना का स्प्रेड अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं पहुंचा, आईसीएमआर के डीजी का दावा। आईसीएमआर के सर्वे में खुलासा, केवल देश की 0.73% आबादी कोरोना की चपेट में आई। दिल्ली सरकार ने कोरोना का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों को दिया आदेश, सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने को कहा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 10 आइसोलेशन कोच की मांग की, लगातार बढ़ते कोरोना केस के बाद फैसला। आइसोलेशन कोच को लेकर रेलवे की पूरी तैयारी, फिलहाल 5,231 कोच कोविड केयर सेंटर के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों की बदहाली और शवों के अमर्यादित तरीके से अंतिम संस्कार पर खुद संज्ञान लिया, आज 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। एलएनजेपी अस्पताल में बद इंतजामी की तस्वीरों के बाद मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची अस्पताल, आयोग के सदस्य ज्योतिका कालरा के नेतृत्व में लिया जायजा। दिल्ली एलएनजेपी अस्पताल में बद इंतजामी के आरोप में 2 स्टाफ को सस्पेंड किया गया, आपको बता दें कि सस्पेंड स्टाफ में नर्सिंग इंचार्ज भी शामिल, इंडिया टीवी की खबर का असर। एलएनजेपी अस्पताल में बद इंतजामी की तस्वीरों पर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बेतुका जवाब, कहा गर्मी की वजह से मरीजों ने कपड़े उतारे। जामा मस्जिद 30 जून तक बंद, नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, अपने सचिव की मौत के बाद शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का ऐलान। महाराष्ट्र के जलगांव में टॉयलेट में कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला का 8 दिन बाद शव मिलने पर कार्रवाई, सिविल अस्पताल के डीन और सब सुपरिटेंडेंट समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जलगांव अस्पताल में लापरवाही को गंभीर बताया, कहा इस तरह की वारदात मंजूर नहीं। मुंबई में भी परेशान करने वाली तस्वीर आई सामने, मलाडपुर में एक ऑटो ड्राइवर 2 दिन तक अपने ऑटो में पड़ा रहा, अस्पताल पहुंचाने पर भी घंटों करना पड़ा इंतजार। मुंबई बढ़ते केस के बाद बीएमसी का बड़ा फैसला, 24 कोविड कंट्रोल वॉर रूम का गठन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ी आईटी कंपनी की मदद से बने कोविड केयर सेंटर का किया ऑनलाइन उद्घाटन, सेंटर में 504 बेड का इंतजाम। यूपी में सामने आए 277 नए मामले, कुल आंकड़ा 11,610 हुआ, एक्टिव केस 4,318। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन सेंटर फिलहाल बंद किया गया, अब तक 18 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, 40 क्वारंटीन किए गए। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार से 240 आइसोलेशन कोच की मांग की, राज्य में 24 स्थानों पर होगा इलाज का इंतजाम। अब सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे भोपाल में बाजार, कोरोना के बढ़ते केस के कारण शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंद रखने का फैसला। अनलॉक के बाद भोपाल में तेजी से बढ़े मामले, जहांगीराबाद में एक ही समुदाय के 28 लोग संक्रमित, 108 हेल्पलाइन के 35 स्टाफ कोरोना की चपेट में। तमिलनाडु में नहीं थम रही कोरोना की तेजी, एक दिन में मिले 1,875 नए मरीज, 23 लोगों की मौत। तमिलनाडु के सीएम का दावा, प्रदेश में कोरोना का अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का मतभेद सामने आया, गहलोत की बैठक से पहले पायलट और मंत्री विश्वेंद्र सिंह निकले बाहर। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से उलट दिया बयान, बोले मुझे किसी विधायक या मंत्री ने हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत नहीं की। पीएम मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा कोरोना वायरस से देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा। कोरोना काल में पीएम का विकास मंत्र, कहा मुसीबत की एक ही दवा है और वो है मजबूती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, गोलीबारी में एक जवान शहीद। गुरदासपुर में शहीद जवान गुरचरण सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, बुधवार रात पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए थे शहीद। पाकिस्तान ने मानकोट सेक्टर में सीज फायर तोड़ा, सीमा पार से गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में 68 आतंकवादियों का सफाया, इस साल अब तक 100 आतंकवादियों को मार गिराया। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद एक्शन। हंदवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को हेरोइन और भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। मिशन वंदे भारत के तीसरे चरण की शुरुआत, 2 जुलाई तक 43 देशों से 423 फ्लाइट से लौटेंगे भारत।
बिहार में लॉकडाउन के दौरान लौटे मजदूर वापस अपने कामों की जगह पर लौटने लगे, ज्यादातरों ने पैसे की किल्लत की बात कही। मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन पकड़ने वाले लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी थची। भारतीय रेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, बिजली से चलने वाले रूट पर पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी की कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की नई रैंकिंग, आईटी मद्रास पहले स्थान पर, देश के टॉप 10 संस्थानों में 7 आईआईटी शामिल। प्रशासन के आदेश के बाद बद्रीनाथ मंदिर में पूजा पाठ शुरू, केवल 2 गांव के लोगों को पूजा की इजाजत मिली। महाराष्ट्र के कई इलाकों में और गोवा पहुंचा मॉनसून, अगले 48 घंटे में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। उड़ीसा पहुंचा साउथ वेस्ट मॉनसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका। दिल्ली के स्वरूप नगर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। साउथ मुंबई के कॉम्फर्ट मार्केट में लगी आग, 4 दुकानें जलकर खाक, दमकल की 6 गाड़ियां और 34 वाटर टैंकर ने आग पर काबू पाया। नोएडा में पुलिस की ज्यादती की तस्वीर आई सामने, 2 सब इंस्पेक्टर ने एक युवक की पिटाई की, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। मुंबई पुलिस को मिला 15 खास फीगो ऑटोमेटिक स्कूटर, बीच पर पेट्रोलिंग करने में मिलेगी मदद। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी, वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार। चीन की राजधानी बीजिंग में 56 दिन बाद पहला कोरोना संक्रमित का मामला सामने आया, पूरे देश में 16 नए केस सामने आए। नेपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लोगों का फूटा गुस्सा, काठमांडू में किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर हालात ठीक से नहीं संभालने का आरोप। चीन के दक्षिणी और मध्य इलाकों में बाढ़ से भी भारी नुकसान, दर्जनों लोगों की हुई मौत, हजारों लोग हुए बेघर। अमेजॉन और IBM की मुहिम में माइक्रोसॉफ्ट भी हुआ शामिल, पुलिस को चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं देने का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा रद्द, कोरोना संकट की वजह से लिया गया फैसला। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली, इस साल खाली स्टेडियम में IPL कराने के दिए संकेत, कहा IPL कराने के लिए सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं।